हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। स्टार्ट करेंगे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों के ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम यहां डिस्कस करेंगे 2012 से लेकर 2017 के बीच में आए हुए सभी प्रश्न सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको इग्नोर नहीं करना है और इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगी और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी। तो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको इनका आंसर जो है वो पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो है वो किया जाता है। इसकी अनुशंसा जो है वह देखिए 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और 1952-53 में जो डॉक्टर मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन्होंने इस विषय को, सामाजिक अध्ययन विषय को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। जॉन ड्यूवी ने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया है? तो इनकी डेफिनेशन को आप लोगों ने याद किया होगा जॉन ड्यूवी की। तो इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और कक्षा। तो देखिए, यहां पर जो आंसर होगा, जॉन ड्यूवी ने जिन्होंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया जो है वो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, जिसमें उन्होंने शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों को ही शामिल किया। जहां हम जनरल बात करें तो प्राचीन समय में शिक्षण प्रक्रिया के केवल दो ही पहलू माने जाते थे, शिक्षक और विद्यार्थी, जिसके बारे में तो एडम्स ने भी कहा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें दो ही लोग होते हैं, एक शिक्षक होता है और एक विद्यार्थी होता है। जबकि जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में तीन लोग होते हैं, शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और इनके बीच में मध्यस्थ का काम करता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी ने माना है कि शिक्षक प्रक्रिया जो है यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य को नहीं जानता है, तो यह कथन किसका है? तो यह परिभाषा जो है यह किसकी है? प्रोफेसर वेस्ले की, वीडी भाटिया की, बाइनिंग व बाइनिंग की या मुफात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइनें जो कि आपको याद रहनी चाहिए, आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछी जा सकती है। तो यहां पर जो ये डेफिनेशन है ये है बीडी भाटिया की। इन्होंने कहा है कि उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक जो है वो उस नाविक के समान होता है जो अपने लक्ष्य को नहीं जानता है, यानी बिना उद्देश्यों के शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य को ही नहीं जानता है कि उसे कहाँ जाना है। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि यहां पर ये बताया गया है कि उद्देश्य और लक्ष्य ये दोनों ही अलग होते हैं। जहां जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों में लक्ष्य का महत्व जो है वह कम होता है। लेकिन वहीं जहां उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य जो है वो विशिष्ट होते हैं, इनकी उत्पत्ति लक्ष्यों से ही होती है। जैसे कि आप लोग रीट का एग्जाम देंगे तो आप लोगों ने छोटे छोटे उद्देश्य जो है वो बनाए होंगे, किसे प्राप्त करने के लिए? अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रीट के एग्जाम को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, तो ये आपका टॉपिक है कक्षा कक्ष प्रक्रिया। तो ये विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। ये मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में ज्ञान भी सहायक होगा, कुशलता भी सहायक होगी और अभिव्यक्ति भी सहायक होगी। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना व उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए,
तीव्र आर्थिक विकास के लिए या शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, तो इसमें से सही आंसर जो आप क्या लगाएंगे फटाफट से सोचिए। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता जो है वह है किस लिए होगी? देखिए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। यहां देखिए ऑप्शन बी, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन ए के अंदर आ जाते हैं, तो इसीलिए सबसे बेटर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के विषय में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन जो है ये एक व्यापक शब्द है। यहाँ हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक गुणों के विकास का अध्ययन करते हैं, जो भी तात्कालीन घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये एक छोटा दायरा नहीं है, ये बहुत बड़ा दायरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, लक्ष्य प्रकृति से होते हैं, आदर्शवादी, जटिल, व्यापक या उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो देखिए, लक्ष्य जो होता है वह प्रकृति से व्यापक भी है, जटिल भी है और आदर्शवादी भी है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो कहीं ना कहीं मैंने बातों में ही आपको ये इसका आंसर जो है वो बताया है। तो यहां पर देखिए नवीन संकल्पना जो है वो क्या रहेगी? नवीन संकल्पना रहेगी कि मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना, यही सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है। यहाँ पर तथ्यों को, सूचनाओं को केवल एकत्र कर लेना, सामाजिक प्रथाएं जो है केवल उनका अध्ययन करना, ठीक है, ये नहीं किया जाता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये एकीकृत अध्ययन है, सभी विषयों को शामिल करता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, ज्ञान की व्यवहारिकता यहाँ होती है, ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, वर्तमान, भूत, भविष्य, इसका अध्ययन जो है वह भी यहाँ पर होता है। कैसे? वर्तमान यानी कि जो आज चल रहा है वो भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जो पहले हो चुका है उनका भी अध्ययन करते हैं, और आगे जो हम करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हैं वह भी सामाजिक अध्ययन के विषय के अंतर्गत ही शामिल होता है। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है, स्थिति, बनावट व स्थान, पुस्तकालय व वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा या प्रयोगों की सुविधा। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या होगी? तो मान लीजिए कि आप टीचर बन गए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लास में आप लोग क्या चाहोगे? तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा वहां की स्थिति, बनावट और स्थान, ये सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट रहती है, ना कि सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रयोगों की सुविधाएं हो, प्रदर्शन की सुविधा हो, पुस्तकालय और वाचनालय का संलग्न हो। ठीक है, सबसे पहले जो आवश्यकता होगी वो होगी स्थिति, बनावट और स्थान। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव प्रक्रिया को क्रमिक रूप से बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या विधि, कथन विधि, परिचर्चा विधि या प्रश्न पूछना। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है जो एग्जामिनर को कि आप लोग टीचर बनेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे उस क्लास को, वहां पर कौन कौन सी शिक्षण विधियां जो हैं वो लेकर जाएंगे। बीएड में आप लोगों ने यही चीज तो सीखी थी।
तो यहां पर देखिए कि वो अध्यापिका क्या कर रही है, कक्षा में चुनाव प्रक्रिया को क्रमिक रूप से बता रही है। अब बता रही है तो वो व्याख्या तो नहीं कर रही है, ना ही वो प्रश्न पूछ रही है, ना ही उस परिचर्चा में बच्चों को भाग लेने के लिए कह रही है। वो तो केवल बता रही है, मतलब कथन प्रविधि का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। कोठारी कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने, नानावती कमीशन ने या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था इसका आंसर, तो आप लोगों को याद आया होगा कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने और 1952-53 में डॉक्टर मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर तक इस विषय को पढ़ाने के लिए क्या की, अनुशंसा की थी। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। तो भारत में स्पेशली जो मुदालियर कमीशन है, मुदालियर आयोग, इसने सामाजिक अध्ययन की अनुशंसा की थी कि इसे माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किस प्रकार का अध्ययन है? साहित्यिक अध्ययन है, भौगोलिक अध्ययन है, विषयगत अध्ययन है या एकीकृत व समन्वित अध्ययन है? तो यहां देखिए, ना ही ये एक साहित्यिक अध्ययन है, ना ही भौगोलिक है और विषयगत, केवल विषयगत नहीं है, ये एक एकीकृत व समन्वित है। क्यों? क्योंकि ये बहुत व्यापक एरिया को लेकर बात करती है। यहां पर देखिए, मानव समाज के उद्गम, संगठन और विकास, इस सभी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए रहना, तो इन सब का समन्वित अध्ययन जो है वो सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। तो ये केवल पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 12, व्यक्ति को कुशल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए किस विषय का शिक्षण करवाना चाहेंगे? इतिहास का, भूगोल का, सामाजिक ज्ञान का या नागरिक शास्त्र का? व्यक्ति को एक कुशल सामाजिक प्राणी बनाना है तो हमें उसे कौन सा विषय का शिक्षण करवाना होगा? तो यहां पर हम उसे सामाजिक प्राणी बनाने के लिए केवल इतिहास, भूगोल ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इनसे तो वो केवल विषयों की जानकारी हासिल कर लेगा, लेकिन हमें तो उसे एक सामाजिक प्राणी बनाना है, तो उसके लिए हम उसे क्या देंगे? सामाजिक ज्ञान देंगे, जिस समाज में वह रह रहा है। सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाता है विद्वान, स्वस्थ, आदर्श व्यक्ति या आदर्श नागरिक। तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा और आप लोग आगे क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है मिलते हैं और हमें कैसे इनको सॉल्व करना है। कई बार तो आपको चारों ऑप्शन ही सही लगेंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन वही राइट रहता है। तो सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो बालक को क्या बनाएगा? बालक को बनाएगा वो एक आदर्श नागरिक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है और यह ज्ञान सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होता है, कथन किसने कहा है? ई बी वैसले ने, एम पी मुफात ने, कोठारी आयोग ने या स्मिथ ने? तो जब मैंने सामाजिक शिक्षण विधियों की क्लास ली थी तो वहां पर मैंने ये डेफिनेशन जो है वह बताई थी, आप लोगों को याद भी आई होगी। तो यहां तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, आंसर क्या है? एम पी मुफात।
तो देखिए एमपी मुफाद जो है वो और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति भौतिक शास्त्र या गणित का कितना ही विद्वान हो, एक कुशल शिल्पी हो, यदि वह अपने साथियों के प्रति दूरदर्शी नहीं है तो वो एक असामाजिक प्राणी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये लाइनें कही कि जीने की कला तो बड़ी सुंदर कला है और यह ज्ञान तो सामाजिक अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया? जापान ने, भारत ने, रूस ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो देखिए इसका जो सही आंसर था वो क्या था, आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सामाजिक अध्ययन विषय का जो आरंभ है वो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1892 ईस्वी में किया गया था, जिसमें पहले इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, केवल इन तीनों को शामिल किया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पहले कितने विषयों को शामिल किया गया था? तीन को, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, भूगोल शामिल नहीं था। बाद में इसमें समाजशास्त्र जो है वह भी जोड़ा गया था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो करेंगे। मात्र 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है वो इतना किया है कि आपको क्वेश्चन जो है वो काफी लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।